Hello, good morning children, how are you? I hope you are fine. So what we were discussing about the chapter Bismillah Khan, Sound of Music ka second part. That is the second part of the chapter. Got it? And we were discussing about Bismillah Khan. Is that clear? He was the Shehnai player. जो शहनाई को एक समाज की मुख्य धारा में लेके आया, दैट वॉज द शहनाई प्लेयर. हु वॉज शहनाई प्लेयर? बिस्मिल्ला खान. इज इट क्लियर? सो इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट हिम, कि हाउ ही वॉज बोर्न एंड वी कैन से वेयर ही वॉज बोर्न एंड हाउ डिड ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड, गॉट इट, एंड फ्रॉम वेयर ही गॉट द एजुकेशन. बनारस और जो डुमराव जो है एरिया, वेयर ही वॉज बोर्न. And he learned all the things from his ancestors, we can say उसके मामा जी या फिर उसके family members, उसके father जो थे, and we can say what was the name of the father, Paigambar Baksh, and जो grandfather थे Rasul Baksh, born on 21st March 1916 में उनका जन्म हुआ. Belongs to well known family of musicians की well known family से belong करते थे. As a young boy he was taking interest in music. छोटा बच्चा था तब से उन्होंने music में interest लेना शुरू कर दिया. At the age of 3 उसकी mother जो थी उसको लेके गई maternal uncle's house in Banaras, now क्या बोलते हैं उसको, वाराणसी. वहाँ पर वो क्या करते थे, fascinated about the practice of shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where he was employed. Vishnu temple of Banaras में अपने मामा जी को कंपनी देने लग गए और वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे क्या सीखा, शहनाई सीखी. और उसके बाद में जो गंगा का किनारा जो शांत एरिया है और एक जो जगह और वहाँ पे भी उसने क्या किया, परफॉर्मेंस से अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा. वहाँ पे उसने प्रैक्टिस की. ही लॉट अ लर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो, गॉट इट. और इसकी पुंगी की कैसे उस पहचान हुई शहनाई में, मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो नाई होता है बारबर जिसको अपन बोलते हैं, वो नाई ने उस चीज़ की जो कहते हैं ना कि वो शहनाई है उसको इम्प्रूवमेंट दिया, गॉट इट, इम्प्रूवमेंट दिया. और उसके अंदर 7 होल्स बनाए, इज अ क्लियर, पुंगी से बन चेंज किया. और शाह के दरबार में उसको प्ले किया गया और नाई के द्वारा प्ले किया गया, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए नाई, गॉट इट, अंडरस्टैंड, इज अ क्लियर. सो इज अ क्लियर. सो ही मेड द शहनाई प्लेयर एंड इन दिस वे ही यूज टू डू दिस, इज द क्लियर. So we will discuss also more about that in this chapter. Let me explain few more things that we were discussing about the starting. At the age of 14, when Bismillah Khan was 14 years old, he accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. He went to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, जब उसकी प्रैक्टिस हो गई, आफ्टर दैट उस्ताद फयाज खान पैटेड हिज बैक, फयाज खान ने उसकी पीठ पकड़ी एंड सेड, एंड बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, वेन इट वॉज ओपन, इन 1938 All India Radio in Lucknow, got it? Lucknow is a very famous, we can say, city. That is also known as a, we can say, ancient culture. It is also having ancient culture. Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. Yahan tak we have discussed, till here we have discussed, and I have explained you a lot of things. When India gained independence on 15th August 1947, हमारा देश आज़ाद कब हुआ? On 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with its shehnai. He was the first person who welcomed the nation with his shehnai
ही प्योर हिज हार्ट आउट इन टू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट. उस दिन उन्होंने क्या किया था, रेड फोर्ट से राग काफी नामक एक राग गाया था शहनाई पे टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी. एंड हु वाज द ऑडियंस एट द प्लेस, महात्मा गांधी वाज प्रेजेंट देयर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री ही वाज आल्सो देयर इन 1947 व्हेन वी गॉट फ्रीडम. बिस्मिल्ला खान वाज द फर्स्ट सेनाई वादक हु प्ले सेनाई ऑन रेड फोर्ट एंड द विटनेस ऑफ दिस ग्रेट वी कैन से अचीवमेंट फॉर महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. उसके बाद यानी आफ्टर प्लेइंग द शहनाई नेहरू जी गिवन इज द फेमस स्पीच दैट वॉज ट्रस्ट विद डेस्टिनी. गॉट इट, यानी रेड फोर्ट पे किसने, रेड फोर्ट पे आज़ादी हुई हमारी जब तिरंगा फहराया तो वहाँ पे बिस्मिल्ला खान ने शहनाई बजाई. बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्ला खान ने काफ़ी यादगार परफॉर्मेंस दी थी, क्योंकि मेमोरेबल परफॉर्मेंस नॉट ओनली इन इंडिया एंड ऑल्सो अब्रॉड इन फॉरेन कंट्रीज ही ऑल्सो गिवन लॉट ऑफ परफॉर्मेंस. गॉट इट, हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in by maestro. His first foreign trip was Afghanistan and at that time the king of Afghanistan was Zahir Shah and was very much impressed by his maestro that he gifted him priceless Persian carpet. Us king ne usko priceless Persian carpet gift kiya Bismillah Khan ko. एंड अदर सोवनियर्स, सोवनियर्स का मतलब होता है कुछ चीज़ें यादगार के रूप में. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली द वन वॉन्ट टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला म्यूजिक. वो अकेले नहीं थे जो कि बिस्मिल्ला के म्यूजिक से ज़्यादा प्रभावित हुए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड After hearing Bismillah's play at a festival that he named film. Bismillah ke play ko listen karke film director Vijay Bhatt itne prabhavit hue that he named a film after the instrument called. Usi instrument ke upar hi unhone film ka naam rakh diya. And what was the name of the movie? Gunj Uthi Shehnai. What was the name of the movie? Gunj Uthi Shehnai. The film director Vijay Bhatt was so attracted by the we can say art of Bismillah Khan that he had given his movie's name Gunj Uthi Shehnai. Film was hit, movie hit hui, and one of Bismillah Khan's compositions. And Bismillah Khan also composed some songs jaise Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide kickbuster. मतलब शानदार, एकदम से सुपरहिट हुआ वो सॉन्ग. That was composed by Bismillah Khan. दिल का खिलौना टूट गया. Despite this huge success in the celluloid world, इस सक्सेस के बाद बावजूद Bismillah Khan's ventures in film music, उसका जो project थे फिल्म म्यूजिक में वन लिमिटेड टू टू. ही वॉज नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन फिल्म, सो दैट वॉज द लिमिटेड टू विजय भट्ट गुंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर. एक तो विजय भट्ट की गुंज उठी सहनाई, एक दैट वॉज द अनदर फिल्म मूवी दैट वॉज रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज दैट इज स्मृती अपन्ना. What Bismillah Khan is saying about these, we can say, experience. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. Kehna ki, I'm not too much affected by these artificial things and I'm not interested in the glamour of the film industry. Got it? He says with emphasis, usne zor dekar kaha. Who says,
बिस्मिल्लाह खान। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग अचीवमेंट्स, आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन लाइफ, व्हाट इज टू बिकम? अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पहले भारतीय हु वॉज इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस, बहुत ही कहते ना सुप्रसिद्ध, जिसको काफी फेमस हो, लिंकन सेंटर हॉल। कहाँ था? लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनको बुलाया गया वहां पे। He also took part in the World Exposition in Montreal. Montreal में भी उन्होंने पार्ट किया। In the Cannes Art Festival and in the Oscar Trade Fair, ये भी कुछ चीजें थी वहां पर उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। Oscar Trade Fair, Cannes Art Festival. So well known did he become internationally that an auditorium to Tehran. इतने ज़्यादा फेमस हो गए वो, इतने अधिक फेमस पर्सनैलिटी बन गए कि उनके नाम से तहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। जो ऑडिटोरियम था ना तहरान में, तहरान ने उनके नाम से कर दिया उसको। ताहर मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस जगह का नाम, मॉस्को मतलब मस्जिद होती है, दैट वाज द नेम वाज गिवन ऑफ बिस्मिल्लाह खान टू दिस प्लेस। इज इट क्लियर? नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। तीनों के तीनों अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, थ्री अवार्ड्स विल बी गिवन, वर गिवन टू हिम। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में ही गोट इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट वॉज भारत रत्न। ज्यादा दिनों पहले बात नहीं, 20 साल पहले भारत रत्न वॉज ऑल्सो गिवन टू हिम। ये इंडिया का सबसे हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है। विद अ कोटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे उस अवार्ड को रखे। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, उसकी आंखें चमक रही थी खुशी से। ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, दैट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। क्या बोला वो कि वेन एवर यू आर, वेर यू आर, यू शुड टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, क्योंकि हिंदुस्तान का असली खजाना वही है, दैट इज रिचेस्ट ट्रेडिशन, परंपरा। यू शुड टीच योर, यानी ही इंस्पायर एवरीबडी, ही इंस्पायर ऑल द वर्ल्ड, है ना। He was an inspiring man, we can say. And what was the message of Bismillah Khan? To teach your children music. Even the West is now coming to learn our music. और कह रहा है कि पाश्चात्य जो संस्कृति है, पश्चिमी लोग हैं, वो हमारा म्यूजिक सीखने के लिए आते हैं। अरे हम इतने फेमस हो चुके हैं, वी आर टू मच फेमस, दैट द वेस्टर्न पीपल आर ऑल्सो कमिंग एंड दे वॉन्टेड टू लर्न आवर म्यूजिक। In spite of having traveled all over the world, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने के बाद, खान साहब as he is fondly called, जैसे उनको लोग बोलते थे, बिस्मिल्लाह खान जी को क्या बोलते थे? खान साहब। He is exceedingly fond of Banaras and Dumroh, लेकिन वो प्यार करते थे किसको? ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उनका लगाव था बनारस से और डुमरो, क्योंकि डुमरो में तो उनका बचपन बीता था, गिल्ली डंडा खेला उन्होंने वहाँ पर, और बनारस में वो जो थे वो बने। They remain for him the most wonderful towns of the world. These two towns, Dumroh and Banaras, these were the most wonderful town for him in the world. Yani the most lovable town for him, जहाँ वो रहना चाहते थे, उसके लिए दो ही थे, Banaras and Dumroh. A student of his once wanted him to head a head a Sehnai school in the USA. एक उनका student उनसे एक दिन बोला कि आप सहनाई स्कूल खोल लो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और उसने क्या प्रोमिस किया? टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाई प्लेकेटिंग द टेम्पल्स देयर।
Even not only he requested him to settle there, he also requested him that I will recreate the environment of Banaras by making the temples there. क्योंकि बनारस जब भी कब जाओगे ना, you will see lot of temples are there. भगवान का एक प्रकार से तीर्थ है, got it? बनारस. तो कह रहा मैं वहाँ पे टेम्पल्स बना दूंगा, बनारस जैसा माहौल बना दूंगा, आप यूएस से आ जाओ. Who said student? But खान साहब asked him. खान साहब ने उससे पूछा क्या If he would be able to transport river Ganga, क्या तुम गंगा बना सकते हो वहाँ पे? क्या तुम रिवर गंगा को ले जा सकते हो वहाँ पे? As well as later he is remembered to have said, बाद में उसको याद भी किया जाता कहते हुए क्या? That is why whenever I am in foreign country, जब भी मैं foreign country में होता हूँ, who are saying? Bismillah Khan. He saying कि that is why whenever I am in foreign country. कभी भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरी इच्छा होती है मैं किसको देखूँ, मेरे हिंदुस्तान को देखूँ, यानी मैं मेरे भारत आऊँ. व्हाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं किसके बारे में सोचता हूँ? बनारस के बारे में. एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा नदी को. एंड व्हाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव. कह रहा है कि जब मैं बनारस में होता हूँ तो मेरे जो पैतृक गांव है, जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी मातृभूमि डुमराव, वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ. यानी वेन द मैन इज इन फॉरेन ही ऑलवेज लव टू कम इन इंडिया, वेन इज इन मुंबई ही लव टू कम इन बनारस, वेन इज इन बनारस ही लव टू कम इन डुमराव. वॉट इट ही लव्स हिज कंट्री और वी कैन से लव हिज स्टेट टू मच. हर बंदे का अपना वो होता है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं. जब हमसे कोई पूछता कहाँ से हो, जब अपन नेटिव प्लेस की बातें बताते हैं तो हम बड़े मुस्कुरा के बताते हैं कि हम यहाँ से हैं, हमें हमारा नेटिव प्लेस बहुत अच्छा लगता है. सो फिर देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उनकी जो जिंदगी थी दैट वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमारे देश की संस्कृति को दिखाती थी. कैसे? One that effortlessly aspect that a devout Muslim, हर बंदा ये स्वीकार करेगा कि एक मुस्लिम बंदा, एक मुस्लिम devotee like him can very naturally play the Shehnai every morning in the Kasi Vishwanath temple. हर सुबह एक मुस्लिम आदमी होकर, मुस्लिम इंसान होकर, हर सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजाता है. यानी ये आज के दिन में यकीन करने वाली बात नहीं. क्यों? क्योंकि नाउ ए डेज हमारा माहौल ही खराब है. वी आर टोटली वी कैन से फाइटिंग टू ईच अदर, वी आर हैविंग लॉट ऑफ हेट टू ईच अदर, कम्युनल फाइटिंग, सांप्रदायिक दंगे होते हैं. सो वी आर नॉट लिविंग इन दिस टाइप ऑफ पीस. बट बिफोर ऑफ वी कैन से इंडिपेंडेंस 1947 से पहले कितने प्यार से रह रहे थे. Got it or not? He being a Muslim boy, he used to play Shehnai in Kasinath, just a wait, Kasinath temple. Got it? So, my dear children, Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006. 2006 mein, 21st August ko, unki death ho gayi. At the age of 90, how much? 90. After a prolonged illness, after a long illness, he was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उनको state funeral दिया गया और Indian government ने एक दिन का शोक मनाया था उनके लिए. Start with Samal Khan. So my dear children, we have discussed about this chapter. That is Bismillah Khan. One thing I am going to tell you. That is written by Shekhar Gupta when partition happened. Shekhar Gupta ने क्या लिखा था जब partition हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था. Didn't you and your family think of moving to Pakistan? Shekhar Gupta ने Bismillah Khan से पूछा था कि आप अपने परिवार के साथ पाकिस्तान नहीं गए, partition हुआ था तो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे. What did he reply? उन्होंने क्या reply किया? Means Bismillah Khan, God forbid, मुझे भगवान माफ करे, लेव बनारस, क्या बनारस छोड़ दूँ? Never. I went in
टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया भी था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, एक घंटे में वहाँ रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानियों को बोला नमस्कार, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और सलाम अलैकुम किसको बोला, इंडियंस को। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं बहुत हंसा, यानी कितनी बढ़िया बात है। वंस इन हिज लाइफ ही हैड गॉन टू पाकिस्तान एंड ही स्पेंट वन आवर देयर, तो मुस्लिम क्या बोलते हैं, सलाम अलैकुम, है ना, अस्सलाम वालेकुम, और हिंदू क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं या राम राम करते हैं। तो उन्होंने उल्टा किया, हिंदुओं को तो बोला अस्सलाम वालेकुम और मुस्लिम्स को बोला नमस्कार, और कहा कि मैं बहुत अच्छा, यानी कंप्लीटली डिवोटी पर्सन, एक अच्छे देशभक्त, एक देश प्रेमी जो अपने देश को उतना प्यार करते थे। बींग ए मुस्लिम वी डिड नॉट गो देयर, एक्चुअली लॉट ऑफ मुस्लिम्स आर ऑल्सो लिविंग हियर एंड दे हेट पाकिस्तान एज वी आर हेटिंग, बट यू नो सम पीपल आर स्प्रेडिंग दिस पॉइजन अमंग अस, कि जहर हमें भर रहे हैं, इज अ क्लियर, तो वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ पीपल, गॉट इट, दीज आर द पीपल हु नेवर एवर कंसिडर्ड ह्यूमन बींग एज ए ह्यूमन बींग, इज अ क्लियर, उनका काम ही ये है आग लगाना। तो बिस्मिल्ला खान वॉज द ग्रेट डिवोटी, गॉट इट, इज अ क्लियर, एंड देयर आर क्वेश्चंस, व्हाट डिड दिस औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया, बिकॉज उसकी आवाज़ क्या थी, वो कर्कश आती थी, हार्ड आती थी, अच्छी नहीं थी। हाउ इज सहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, क्योंकि सहनाई में 7 holes थे, पुंगी में नहीं थे, गॉट इट। वेयर वॉज द सहनाई प्ले ट्रेडिशनली, मंदिरों में और उसमें कुछ शादी विवाह में। हाउ डिड बिस्मिल्ला खान कहाँ लेके आए, एक क्लासिकल स्टेज पे लेके आए। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक, वही 1938 ऑल इंडिया रेडियो। व्हेन डिड बिस्मिल्ला खान प्ले द सेनाई ऑफ 15 अगस्त 1947, लाल किला रेड फोर्ट पे। दीज आर द क्वेश्चंस, व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, पंडित नेहरू थे, गांधी जी थे, सब सुन रहे थे। व्हाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सेनाई स्कूल इन USA, क्योंकि ही लव्ड इंडिया मोर देन USA एंड इंडिया ही लव्ड बनारस, दैट इज वाई ही वॉन्टेड टू लिव इन इंडिया, दैट इज वाई ही डिनाइड टू गो टू USA। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चन जो मैं तुम फास्ट बताए, आई विल ऑल्सो गिव सम क्वेश्चन टू यू, सो कीप इन योर माइंड एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाई योर ओन, मैं इसीलिए फास्ट बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर बाई योर ओन। सो आई होप यू गॉट दिस चैप्टर, इज द क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। समझ में नहीं आया, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई हियर फॉर यू, इज द क्लियर, टिल देन बाय।